नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के कुमाऊं में बहने वाली गोला नदी क्षेत्र का लाइफलाइन मानी जाती है। इस नदी के खनन व्यवसाय से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। चालू वर्ष में गोला नदी में 38 लाख घन मीटर खनन की अनुमति मिली थी, जिसमें से अब तक 34 लाख घन मीटर उपखनिज अभी तक निकाला जा चुका है और 4 लाख घन मीटर उपखनिज निकालना अभी शेष है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के महामंत्री हनीफ अहमद ने बताया कि चुनाव से ठीक पहले समतलीकरण के नाम पर दिए गए खनन पट्टों के कारण लाखों लोग क्रशरों के RBM न खरीदे जाने पर बेरोजगार हो गए हैं। आलम यह है कि गोला नदी से 4 लाख घन मीटर उपखनिज खरीदने के लिए बाजार में कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। जहां समतलीकरण के नाम पर किए जा रहे खनन की रॉयल्टी 9 रुपए प्रति क्विंटल है, तो वहीं गोला नदी में सरकारी खनन की रॉयल्टी लगभग 32 रुपए प्रति क्विंटल है। स्टोन क्रेशर मालिकों की माने तो रॉयल्टी अधिक होने के कारण रेता बजरी का दाम अधिक हो गया है, जिस कारण क्रेशरों से उपखनिज बाहरी प्रदेशों में बिकना कम हो गया है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष और वाहन स्वामी दीवान सिंह बिष्ट समतलीकरण के नाम पर दिए गए पट्टों को इसका जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी गोला नदी में 11 गेट हैं और इन गेटों में लगभग 7,500 डंपर पंजीकृत हैं, किंतु क्रेशरों के RBM न लिए जाने पर वाहन स्वामियों के आगे रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार नदी में उपखनिज भी बहुत अच्छा आया था। इस कारण स्टोन क्रेशर मालिकों से जुड़े व्यवसायियों में बहुत अधिक खुशी थी, परंतु सरकार ने समतलीकरण के नाम पर जो पट्टे बांधे उससे रॉयल्टी में अत्यधिक अंतर आने के चलते स्टोन क्रेशर मालिकों को माल बिक्री करने में दिक्कतें महसूस होने लगी। वहीं माल न बिकने के कारण स्टोन क्रेशर स्वामियों ने माल लेने से इनकार कर दिया है। लालकुआं से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।